लिए आ रहे हैं कि आपके साथ वो कुछ ना कुछ पार्टनरशिप में बिजनेस करने का या कुछ इस तरीका के कुछ ना कुछ सोचेगा। कुछ बैड हेल्थ भी है आपके पार्टनर के इस वक्त में, और आगे में मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट मूव के तौर तरह से कोई मैच्योर डिसीशन लेगा। लेकिन हाँ, इस वक्त में आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी है जो उसके कार्मिक रिलेशन। माय ब्यूटीफुल सोल्स और माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस, आज के जो आपके वीडियो है ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है और किसी भी जेंडर के लिए लोगों के लिए है, मैरिड अनमैरिड सिंगल कमिटेड हर लोगों के लिए ये रीडिंग है। शायद आप अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हो, आप भी सिंगल स्टेटस में चल रहे हो, ऐसे भी हो सकते हैं। ये वीडियो है आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स और उनके आगे का स्टेप आपके तरफ, नेक्स्ट स्टेप आपके तरफ, ये दोनों जानने के लिए ये रीडिंग है। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट स्टेप आपके तरफ, नेक्स्ट मूव आपके तरफ। तीन ऑप्शन है, फ्लावर, हार्ट एंड ब्रेसलेट। फ्लावर, हार्ट एंड ब्रेसलेट, ये तीनों ऑप्शंस है। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो, और जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आज के आपके पिकअप कार्ड रीडिंग। फ्लावर, हार्ट एंड ब्रेसलेट, ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करें, जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे आपके लिए हैग होगा उसके पिकअप कार्ड रीडिंग। टेक अ डीप ब्रेथ और अच्छे से सोच के करिए। ये एक इंग्लिश सब टाइटल्स के वीडियोज है, इसमें मैं इंग्लिश में रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग। यहाँ पर ये सारे ब्रेसलेट्स हैं, ये सारे ब्रेसलेट्स जो है हीलिंग की एनर्जी मैं डालती हूँ इसमें। कबाला, रेकी, लामा फेरा, संभाला, ये सब डाल के मैं बनाती हूँ। ये आपके ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए है, ये आपके करियर का है, स्पिरिचुअलिटी का है, एंड यहाँ पर है आपके हेल्थ के ब्रेसलेट्स, एंड ये है आपके रिलेशनशिप के ब्रेसलेट। मिराकुलस काम करते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले सकते हो मुझसे, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ इस इन सारे मैटर में। आप अगर चाहिए तो पर्सनली कांटेक्ट करें, नहीं तो अगर आपको आपके पास पैसा नहीं है इसे खरीदने के लिए तो चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लगातार लिखें ताकि आपको इस तरीका के ब्रेसलेट मिल जाए फ्री में। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। शुरू करेंगे रीडिंग जिन्होंने फ्लावर चॉइस करा था, और देखते हैं कि आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स इस वक्त में आपके लिए क्या है। यू आर सो स्पेशल, आपको स्पेशल कहा जा रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली आप उसके लिए स्पेशल हो और ट्रूली डिवाइन हो। फादर ओन्स, माई फादर फादर इज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन माई बिहेवियर नाउ एज एन एडल्ट। आई हैव चैलेंजेस विद कनेक्टिंग टू द डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी विद इन मी एंड एक्सटर्नली। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के कुछ ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास रहेगा, फैमिली ट्रॉमास या चाइल्डहुड ट्रॉमास है। इनके फैमिली इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। एंड आई एम सॉरी एंड टीयर्स व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई क्राई। अनक्लियर के कार्ड्स है, बॉटम कार्ड, मतलब ये अभी भी अपने थॉट में क्लियर नहीं है कि आपको लेके इन्हें क्या करना है। लेकिन यूनिवर्स क्या चाहते हैं और इसके नेक्स्ट मूव क्या रहेगा वो हम देखेंगे। अभी आपको सॉरी बोल रहे हैं, जो पेन आपको दिया है, जो दुख दर्द दिया है आपको, उसके लिए सॉरी कहना चाहते हैं। दैट मीन्स शायद आप दोनों अभी इस वक्त में एक दूसरे से बात नहीं करते हो, और अगर करते भी होंगे तो आप दोनों एक दूसरे के साथ उतना क्लोज नहीं हो, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बात करते होंगे। और शायद आपने कमिटमेंट के लिए पूछा था तो कमिटमेंट नहीं दिया। अगर ये आपके स्पाउस के बारे में है तो मुझे लगता है कि आपके जो स्पाउस है वो आपको प्यार, मतलब आपको उनसे प्यार चाहिए था लेकिन उन्होंने आपको प्यार नहीं कर पाए, इस तरीका की कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके ज़रूर होंगे। और अब भी जो है उसको टाइम चाहिए हील होने के लिए, और आफ्टर हीलिंग मतलब अपने सेल्फ हीलिंग करने के लिए या हार्ट चक्र को हीलिंग करने के लिए आफ्टर हीलिंग क्या होंगे उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट मूव देखो, नेक्स्ट मूव तो 4-5 महीने के बाद है, हालांकि ये आपके बारे में सोचेगा नेक्स्ट मूव में। और फैमिली जो उनके शादी हो गए उनके लिए आ रहे के फैमिली एक्सटेंशन के लिए सोचेगा, और कुछ लोगों के लिए आ रहे हैं कि आपके साथ वो कुछ ना कुछ पार्टनरशिप में बिजनेस करने का या कुछ इस तरीका के कुछ ना कुछ सोचेगा।
कुछ बैड हेल्थ भी है आपके पार्टनर के इस वक्त में, और आगे में मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट मूव के तौर तरह से कोई मैच्योर डिसीशन लेगा, लेकिन हाँ इस वक्त में आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी है जो उसके कार्मिक रिलेशनशिप है, तो कार्मिक रिलेशनशिप में भी फंसा हुआ है आपके पार्टनर। लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि 4 to 5 months लग जाएगा आपके पार्टनर को आपके पास पूरी तरीके से वापस आके चीज़ों को ठीक करने के लिए, मिनिमम 4 to 5 months लग जाएंगे। और आपके सजेशन कार्ड देखेंगे उससे पहले आपके एनर्जी के बारे में बात करते हैं। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ होंगे 4/22/31 and 13, 8/26 and 17, 5/23 and 14 एंड 9/18 and 27। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 3/30/21 and 12। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MMARSYICVUDP। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। इस वक्त में आप रेड या मरून कलर के अटायर पहन के रखे हो, या पिंक या पीच में कुछ पहने हो, या वाइट में कुछ पहने हो। लेट गो ऑफ व्हाट वाज इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर व्हाट्स टू कम। इट मे बी टाइम टू रिलीज आर रिलेशनशिप दैट हैज़ रन इन रन इट्स कोर्स, अ जॉब दैट्स लॉस्ट इट्स लास्टर, और अ डी और अ डिप्लिटिंग कमिटमेंट, द पास्ट इज ओवर, व्हाट्स डन इज डन। एक्नोलेज द फीलिंग्स, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड गिव योर सेल्फ परमिशन टू रिलीज एंड एनी नेगेटिव इमोशंस और गिल्ट। व्हेन वन एरिया ऑफ आवर लाइफ फॉल्स अपार्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉल इन टू प्लेस। देखो इस वक्त में आपके पार्टनर आपको लेके कंफ्यूज है, दुखी भी है कि आपको छोड़ दिया, थर्ड पार्टी भी यहाँ पर है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी एक फॉल्स पर्सन है, मतलब आपके पार्टनर को नेगेटिव वे में आपको इन्फ्लुएंस कर रहे, कुछ भी पॉजिटिव नहीं दे पा रहे, आपके लिए भी कुछ ना कुछ गलत चीज़ें बोलता ही रहता होगा। आपके पार्टनर 4 months के बाद आपको लेके सोचेगा, क्योंकि इस वक्त में उसके बैड हेल्थ भी है और कोई डिसीजन लेने के लायक भी नहीं है, और मतलब सिचुएशन में भी नहीं है, और इस वक्त में उसके पास एक थर्ड पर्सन भी है। वो कुछ सोचेगा आपको लेके, फैमिली एक्सटेंशन के भी सोच सकते हैं अगर आप लोग शादीशुदा हो तो, लेकिन कुछ सोचेगा अभी, कुछ मतलब बताया नहीं जा सकते कि सोचने के बाद कुछ डिसीजन लेगा कि भी नहीं। इस वक्त में वो सॉरी फील कर रहे हैं, दुखी भी है, और थोड़ा टाइम मांग रहे हैं कि उसको खुद को अपने हार्ट चक्रा को हीलिंग करना है, खुद के तकलीफ दुख तकलीफ को भी हीलिंग करना है। कुछ ना कुछ उसके साथ नार्सिसिस्टिक चीज़ें हो चुका है इन पास्ट, एंड वो सारे चीज़ें चाइल्डहुड ट्रॉमा बोल सकते हो, वो भी चीज़ों को वो हील करना चाहते हैं। उस सब सारी चीज़ों के वजह से ही वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं या किसी के साथ जुड़ नहीं पाता है, एंड आप उनके लिए स्पेशल हो, इतना ही है। आप लोग जैसे हो, आप लोग सोच समझ के डिसीजन लेते हो, प्रॉपर डिसीजन लेते हो, जजमेंट करते हो लोगों को, अच्छे से जज करके ही डिसीजन लेते हो। आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हो या कम्युनिकेशन फील्ड के हो सकते हो, एंड सच्चाई बोलना पसंद करते हो, या कोई कंसल्टिंग बिजनेस में हो, या कंसल्टिंग करते हो, या काउंसिलर हो, इस तरीके से आ रहे। और आप लोगों के में से मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के लिए साउथ के तरफ रहना, या साउथ के तरफ जैसे इंडिया है, इंडिया के साउथ मतलब साउथ इंडिया है, ऐसे जगह आपके लिए अच्छा है, या ऐसे जगह से आप लोग हो। आप लोग जो है स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन हो और डिसेप्शन में नहीं भुगतते हो, कोई भी चीज़ों का आप भ्रम नहीं पालते हो, आप बहुत प्रैक्टिकल लोग हो, तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर आप भी सोच आपके पार्टनर के क्लियर नहीं है, और थर्ड पार्टी भी है और फैमिली इश्यूज भी है, दोनों चीज़ है। इसको ठीक करके रिजॉल्व करते करके आते आते कम से कम उसे प्रॉपरली मतलब 4-5 महीने के बाद आपके पास काफ़ी हद तक वो बातचीत करने लगेगा, या आपसे मुलाकात करने लगेगा, या रिलेशनशिप ठीक होगा। लेकिन पूरी तरीके से हील होके आने के लिए अभी भी मुझे लगता है 1.5 years लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप उस टाइम तक वेट कर पाओगे आपके पार्टनर के लिए, तो इंतज़ार करें, नहीं तो मैं आपको यही सजेशन करूंगी कि मूव ऑन हो जाए। अनहील्ड वुंड्स आर ब्लॉकिंग फॉरवर्ड द मोमेंट्स, यू एंड दिस पर्सन डोंट शेयर द सेम विजन।
रिलीज के कारण है, रेडिकल एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर कैन हेल्प यू टू लेट गो। देखो एनर्जी हमेशा बदलते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स ये भी एनर्जी बदल जाएगा, क्योंकि आप भी कुछ कर्म करते हो, वो भी कुछ कर्म कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन इस वक्त में जो एनर्जी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल सब्सक्राइबर्स के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं जिस सच्चाई, जितने लोग तक मेरा वीडियोज जाते हैं उनको सच्चाई के रास्ता दिखाना चाहिए। एंड इस वक्त में यूनिवर्स के अगर सुने तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को रिलीज कर दो और जाने दो, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। बट यस, एनर्जी टाइम टू टाइम बदलते हैं, सिचुएशन टाइम टू टाइम बदलते हैं, कर्मा के मुताबिक, ग्रह नक्षत्र के चेंज के मुताबिक, और कभी कभी आपके पास्ट लाइफ के कर्मा के मुताबिक भी। तो इसीलिए आप ये जो है ये एनर्जी फिलहाल का है, आफ्टर 3 मंथ्स हो सकते हैं कि ये सिचुएशन पूरी तरीके से बदल जाए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी और दूसरे रीडिंग में चलूँगी क्विकली। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियोज को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूले, ताकि आपको इस तरीका के हीलिंग के ब्रेसलेट मिल जाए। ये मिराकुलस ब्रेसलेट है हीलिंग के लिए, ये रिलेशनशिप के लिए, ये रिलेशनशिप आपके एक झटके में ठीक कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगाते हैं, 3-4 महीना तो लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से हील कर देते हैं, पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को हील कर देंगे। और इसमें आपके रिलेशनशिप में जो भी आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है वो मिल जाएगा, क्योंकि ये ब्रेसलेट मैं रेकी, लामा फेरा, कबाला, संभाला, ये सब करके मैं ये ब्रेसलेट बनाती हूँ, और ये ब्रेसलेट बहुत स्पेशल होता है। अब मैं क्विकली शुरू करूंगी आपके रीडिंग, और जिन्होंने चॉइस करा था ये ब्रेसलेट उनके रीडिंग शुरू करेंगे क्विकली। देखते हैं कि आपके पार्टनर को, आप पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है। You activated my soul to find my true purpose and destiny in life. You helped me heal in ways no one else could. Thank you for finding me again this time around. It's simple, really. How do I feel? I want you as forever. Showing out, I'm acting like I don't care about what's happened between us, but I just want to appear unbothered. Something to say, there is something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. Okay, तो कुछ जो है hidden secret है आपके partner का, ठीक है, और वो आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि आपके लिए केयर नहीं करते हैं, अनबॉदर्ड है, लेकिन ऐसे से सच नहीं है। एक्चुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, और आप वो जानता भी है कि आप उसके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और डेफिनेटली आप उसके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। एंड द लास्ट बॉटम कार्ड बहुत अजीब सा है, वुड यू पैक अ बैग एंड मीट मी इन हाफ वे, मीट मी इन हवाई, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड बी अलोन विथ यू। मुझे यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ लग रहा है फैमिली की तरफ से, शायद इसके फैमिली ऐसे है ना, इसे रोक टोक करते हैं आपके साथ मिलने के लिए। देखते हैं कि क्या मैटर है, और शायद फैमिली के वजह से, या फैमिली में कोई मेम्बर है उनके वजह से, या हो सकते हैं कि कोई थर्ड पार्टी है उसके वजह से आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप उसके डिवाइन सोल काउंटर पार्ट हो। एंड यहाँ पर आ रहे, इवन व्हेन यू फील लॉस्ट देयर इज ऑलवेज अ वे थ्रू द लेबिरिंथ, तो आपको बोला जा रहा है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा आगे में। टेम्पटेशन, थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। हाँ, आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप दोनों के शादी नहीं हुआ है उससे पहले टेम्प्ट होके फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाए। लुक डीप विद इन योर इमोशंस, इमोशनली कनेक्टेड रहो, लेकिन उस तरीका से नहीं, मतलब रिलेशन करोगे तो ही अच्छा रहेगा। और कोई ना कोई रास्ता यूनिवर्स के तरफ से होगा और डिवाइन कनेक्शन बनेगा। एंड यहाँ पर जो बॉटम कार्ड है बहुत अच्छा है, द इंटेंसिटी ऑफ अ ट्रू सोल कनेक्शन इंक्लूड्स ग्रेट हाइज एंड लोज। कुछ ना कुछ जगह पे जब आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हायर सेल्फ कनेक्शन है, इतना हाई लेवल के कनेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें हो ही सकते हैं।
इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई ऐसे मतलब घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स कभी ना कभी किसी ना किसी तरीका से आप दोनों के वे आउट करेगा, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। लेकिन ये मैं कंफर्मेशन के साथ बोल सकती हूँ कि उसके फैमिली या आपके फैमिली दोनों में से कोई किसी के फैमिली रोक टोक करते हैं, और मुझे लगता है ज़्यादातर आपके पार्टनर के फैमिली के रोक टोक जो है वो बंद नहीं होगा। अगर कभी आप दोनों शादी करते भी हो, अगर आपकी शादी नहीं हुआ है, या अगर आपकी शादी हो गई है और आपके पार्टनर के फैमिली आपको पसंद नहीं करते, तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को जो है रेकी हीलर, माय गॉड मेरा कार्ड आ गया कि आप एक हीलर के मदद लीजिए, तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप दोनों को डेफिनेटली 100% जो है अपने फैमिली से अलग होके, एटलीस्ट किसी एक के फैमिली से अलग होके जो बहुत ज़्यादा खिलाफ है इस रिलेशनशिप का, उनको आपको घर बसाना होगा। और यहाँ पर एक रेकी हीलर आपको हेल्प करेगा। आई डोंट नो, मुझे तो लगता है ये मेरा कार्ड है, लेकिन हो सकता है आप किसी और रेकी हीलर को भी जानते हो या खुद भी एक रेकी हीलर हो सकते हो, तो डेफिनेटली। एंड देखो यहाँ पर कार्ड आ गए कि इसके फैमिली में से कि कोई इंसान है, या इसके लाइफ में के पार्टनर के लाइफ में कोई एक ऐसे इंसान है जो इसे मतलब ख़त्म कर रहे हो, और एक स्नेक के जैसा है, जैसे स्नेक के आदत होते हैं ना कि किसी का भी सगा नहीं होता है, वो सबको डसता है, तो वैसे ही प्रेडेटर जो होते हैं उस तरीका से आदत है। एंड डेफिनेटली अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपके ब्रोकन मैरिज का प्रॉब्लम आ रहा होगा, आप दोनों के बीच में ब्रोकन मैरिज की प्रॉब्लम आ रही होगी, और लेट गो करने की जैसे कि सिचुएशन बन गया होगा। तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक इंसान या कोई एक थर्ड पार्टी मुझे कम लग रहा है, फैमिली मेम्बर से आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स या आपके फैमिली मेम्बर से कोई एक इंसान है जो इस रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोग शादीशुदा हो तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक टूट चुका है ये रिलेशनशिप, अगर अनमैरिड हो तो भी काफ़ी हद तक ये रिलेशनशिप टूट चुका है। और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं आपके एनर्जी के बारे में बताऊंगी। 9, 18 and 27, 3, 30, 21 and 12, 6, 24 and 15, 8, 26 and 17 ये है आपके डेट ऑफ बर्थ। एंड 1, 10, 19 and 28 इनमें से आपके फर्स्ट ईयर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, फर्स्ट ईयर लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं, R, N, C, B, Y, M, D, I, S, L, A, B इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा आपके। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूले, ताकि आपको इस तरीका के जो हीलिंग के ब्रेसलेट्स हैं फ्री में मिल जाए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट रीडिंग करेंगे जिन लोगों ने चॉइस करा था हार्ट। जिन्होंने हार्ड चॉइस करा था उनके रीडिंग देखते हैं कि आपके पार्टनर के अभी करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। There is so many things I want to say to you, but will you hear me all the way out? Will you believe me? I see you looking good and moving on. I don't care you are talking to who you are talking to. I am better. I will compete for you.
आई वॉन्ट टू गिव यू द गुड लाइफ, आई वॉन्ट टू स्पॉयल यू विथ गिफ्ट्स एंड ट्रिप्स, एवरी थिंग यू कुड एवर नीड टू और वॉन्ट, यू डिजर्व नथिंग लेस. वाओ, समथिंग टू से. देयर इज समथिंग आई रियली वॉन्ट टू शेयर विथ यू, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेल यू. यहाँ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ जो भी अनबन आपके चल रहा था वो उस चीज़ों को ख़त्म करके आपके पास आना चाहता है. ऑलरेडी मुझे लगता है दिल ही दिल में ख़त्म कर चुका होगा. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो आपके पास आएगा और बोलेंगे कि हाँ चलो हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है. अगर शादी हो जाता है, हो गया है, तो कुछ दिनों में ही बोल देंगे और हम लोग टाइम फ्रेम देखेंगे कि कितने दिनों में ये बात होगी. बट उससे पहले उसके नेक्स्ट मूव क्या है देखेंगे. एडिक्शन, जैसे रिलेशनशिप में एक एडिक्शन है, आप जो है आपकी एक एडिक्शन के जैसे हो. यहाँ पर डेफिनेटली एक थर्ड पर्सन है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो टांगे उड़ा रहे हैं, आप दोनों के बीच में आके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, और कुछ नहीं है. अनप्लग, वर्किंग लेस विल हेल्प स्ट्रेंथ योर रिलेशनशिप. आप लोगों में से, दोनों में से कोई एक इंसान जो है बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड थे और उस करियर फोकस्ड होने के वजह से ही रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब हो गया है, डिटैचमेंट हो गया है. बट अभी भी कुछ डिस्टेंस रखना ज़रूरी है आप दोनों को कुछ टाइम के लिए, फिर जाके ठीक होंगे. लेकिन अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो एक पास्ट लाइफ के लव रिलेशनशिप है. एंड डेफिनेटली इस वक्त में मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने कमिटमेंट देने से इनकार कर दिया होगा या रिजेक्ट किया होगा, लेकिन आगे में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगे. कब तक ठीक होंगे, कब तक वापस आ रहे हैं वो देखेंगे कि कब तक टाइम क्या है. हालांकि इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, 100% थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है. एबंडेंस के कार्ड है, हेल्थ इश्यूज भी है, कुछ ना कुछ इश्यूज है आप दोनों का, हेल्थ इश्यूज है. आपके पार्टनर दो मन में चल रहे, डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं. इट विल टेक 6 months टाइम, मिनिमम 6 months टाइम चाहिए. 6 to 7 months में आपके पार्टनर जो है आपके पास आएगा और एंगेजमेंट कर लेगा आपके साथ या शादी कर लेंगे. अगर शादी हो चुका है तो सारे रिलेशनशिप जो ख़त्म होके करके जो थर्ड पार्टी है उसके साथ भी रिलेशनशिप ख़त्म करके आपके पास आने वाला है. कार्ड्स देखो आप, इतने अच्छे बढ़िया कार्ड्स हैं. और जैसे ही आप दोनों के शादी होते हैं, ये रिलेशनशिप ठीक होता है, आप दोनों के ही फाइनेंशियल बरकत भी आएगा. फाइनेंशियली आप दोनों ग्रो करोगे, स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रोथ करोगे और ऐसे पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ करोगे. बट इस वक्त में आपके पार्टनर जो है दो चीज़ उनके मन में है. एक तो एक थर्ड पर्सन है जिसे लेके बहुत ज़्यादा सोचता रहता है. अब माइंड से भी मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा हैरेस्ट और परेशान रहता है, मेंटली काफ़ी दुखी रहते हैं, काफ़ी तकलीफ में रहते हैं. और यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दो फोकस है, एक है करियर या मनी ग्रोथ, दूसरा है कि आपके जो थर्ड पार्टी के साथ कैसे उसे हटाया जाए. हालांकि हर तरीके से उसको समझ में आ चुका है कि आप जो हो, आप उसके लिए एक इमोशनल सपोर्ट हो, एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो, एंड यू आर देयर पार्टनर और सोलमेट कनेक्शन में से कुछ हो. आपके साथ पिछले बर्थ का कुछ रिलेशन है और बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ जुड़ा हुआ है. और मुझे लगता है पास्ट में आपके साथ प्रॉपर तरीके से इमोशनली खुल गया होगा, मतलब इमोशनली जुड़ गए होंगे. लेकिन फिर भी आप भी कुछ सीक्रेट्स है, जैसे ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी लाइफ में है, कुछ करियर के मैटर में हो सकते हैं या कोई लोन या डेप्थ हो सकते हैं, ये सारे मैटर खुल के आपके पास नहीं आया है और आपके पार्टनर ने नहीं बोला है. आगे में ये चीज़ वो बोलने वाला है, बट इट विल टेक सम टाइम. जब तक वो चीज़ होंगे वो थोड़ा टाइम लेगा, वो उस तक आपको वेट करना पड़ेगा. एंड इट वुड बी लाइक 6 to 7 months फ्रॉम नाउ. तो अब भी से देखा जाए तो ऑलमोस्ट आप मान लो कि सितंबर मंथ में या अगस्त मंथ में
अगस्त सितंबर के टाइम में से रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर चलना शुरू हो जाएगी। रिलेशनशिप के जो भी प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी के प्रॉब्लम, या जो भी करियर या लोन या डेब्ट है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक होके आपके तरफ होंगे। थोड़ा बैड हेल्थ के भी प्रॉब्लम है, मेंटल ट्रॉमा में आप भी हो, वो भी है, वो सारी चीज़ों को ठीक होंगे। इस वक्त में आपके पार्टनर जो है वो बहुत डाइसी है, सिचुएशन बहुत डाइसी है, एंड दे आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट यू। आई थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट समवन एल्स नाउ, कि उसके साथ कैसे रिलेशनशिप को ठीक किया जाए या उसके साथ ख़त्म कैसे किया जाए। रिलेशनशिप ठीक होने से भी ज़्यादा कूलिंग एनर्जी है, बिकॉज दे आर नॉट नाउ, दे आर इन हीटिंग एनर्जी एंड दे वॉन्ट टू कूल ऑफ। कुछ एक ब्रेक लेना, एक शॉर्ट टाइम ब्रेक लेना, इन सब चीज़ों से दूर जाना एंड कूलिंग एनर्जी पाना, रिफ्रेश होना अपने आप को, ये सारी चीज़ें करना चाहते, बॉडी एंड माइंड से रिफ्रेश होना, दैट्स वॉट दे वॉन्टेड। नाउ वॉट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ, इट हैज़ बिकम लाइक एक्सेस ऑफ हीट एंड एक्सट्रीमली दे वॉन्ट टू गो फॉर अ कूलिंग एनर्जी एंड बेनिफिशियल टू विच इज़ बेनिफिशियल टू देयर बॉडी एंड माइंड। एक्सेसिवली जो एक्सेस हीट जो हुआ है, वो हीट मतलब बॉडी के अंदर नहीं बोल रहे हो, ये बोल रहे हो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हो गया है, एंड इस वक्त में वो थोड़ा कूल होना चाहते हैं, मेंटल पीस चाहते हैं, एंड थोड़े टाइम के शॉर्ट ब्रेक लेना चाहते हैं, एंड आफ्टर दैट शॉर्ट ब्रेक ही और शी विल बी इन अ सिचुएशन टू टेक डिसीजन फॉर यू। सो टिल देन यू हैव टू वेट। अगर आप इन्हें प्यार करते हो तो डेफिनेटली आपके इंगेजमेंट और शादी इनके साथ हो सकते हैं, लेकिन इट विल टेक सम 6 to 7 months टाइम। यही है आज के आपके रीडिंग, आपके एनर्जी के बारे में बात करेंगे। आपके एनर्जी है 9, 18 and 27 एंड 7, 25 and 16, 3, 30, 21 and 12, 2, 20, 11 and 29 and 4, 22, 31 and 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बता देती हूँ। फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं सी डी ए एम एन टी पी यू एल वी यू एफ। तो इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इस वक्त में आप ब्लैक या ग्रे कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो, और नहीं तो वाइट या ऑरेंज कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो सकते हैं। रेड मरून में भी, रेड या मरून में कुछ पहने हो ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और नेचर से कनेक्टेड लोग हो आप लोग, नेचर से कनेक्टेड लोग हो, एंड बहुत ज़्यादा जब आप लोग प्यार करते थे ना, तो बहुत ज़्यादा लव में थे, बहुत ज़्यादा लव आप दोनों के बीच में था। अब भी थोड़ा प्यार घट गया है, तो इसीलिए लव भी घट गया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लव करते थे। आप लोगों को ड्राई स्किन के प्रॉब्लम है, जल्दी से ठंड लग जाते हैं, एंड आप लोग बहुत डायनामिक पर्सनालिटी हो, रेस्टलेस हो, मतलब हमेशा काम करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, ऐसे हो, एक्टिव पर्सन हो आप लोग, एंड फ्लेक्सिबल हो, कोई भी सिचुएशन को बैलेंस कर लोगे, कोई भी सिचुएशन में मना लोगे, एडजस्ट कर लोगे, इस तरीका के हो। यूनिवर्सल एनर्जी के ऊपर बिलीव करते हो, पीस में बिलीव करते हो, हारमोनी में बिलीव करते हो, एंड ट्रूथफुलनेस में बिलीव करते हो, वाइज रहना, गुड लाइफ जीना, इस तरीका से आपको पसंद है। यही है आपके आज के रीडिंग, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। अगर आप ये लगातार 3 से लेकर 4 महीना तक करते हो, और मैं देखती हूँ कि मेरी हर वीडियो के नीचे में आपके कॉमेंट्स है एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में कॉमेंट्स है, और आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको मिलेगी इस तरीका के जो है हीलिंग ब्रेसलेट। मैं आपको जब ब्रेसलेट के विनिंग नेम प्रपोज करूंगी ऑन चैनल, तो फिर मैं आप लोगों को पूछूंगी कि आप व्हाट्सएप में जाके स्क्रीनशॉट देके अपने चैनल का, उसके बाद आप मुझे बताओ कि किस मैटर में चाहिए। अगर आपको करियर में चाहिए तो आपको इस तरीका के ब्रेसलेट मिलेंगे हीलिंग देके, अगर आपको रिलेशनशिप में चाहिए तो इस तरीका के मिलेगी, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए चाहिए तो ऐसे मिल जाएगी, अगर आपको हेल्थ के लिए चाहिए तो ऐसे ब्रेसलेट, या आपको बॉन्डेजेस या ब्लॉकेजेस दूर करना है अपने लाइफ से, तो इस तरीका के ब्रेसलेट मैं दे दूंगी, और बहुत अच्छे से एनर्जी देके मनाती हूँ। आज तक जिन्होंने ब्रेसलेट लिया है, सबको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट मिली है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।